हम सभी 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या ये यूट्यूब वीडियो दुनिया में कहीं से भी कैसे एक्सेसिबल होता है? ये तो सभी को पता है कि डेटा आजकल क्लाउड में होता है, लेकिन दुनिया के अलग अलग जगहों से डेटा आता कहां से है? ये आता है समुद्र की गहराइयों से। हाँ, इस वीडियो सहित आप इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते हैं वह पानी के नीचे से आपके पास जाता है। 98% अंतर्राष्ट्रीय डेटा महासागर के तल पर फैले केबलों के जाल के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। टेलीग्राफ नेटवर्क के लिए 150 साल पहले ट्रांस एटलांटिक केबल समुद्र के तल में स्थापित किए गए थे। 20वीं शताब्दी के अंत में फाइबर ऑप्टिक्स के इस्तेमाल से इस प्रकार के केबल के प्रयोग में रेवोल्यूशन आया। आज वे महासागर के तल से दूर दूर के महाद्वीपों को जोड़ते हैं और पूरे विश्व में फैले हुए हैं। एक केबल लेइंग शिप पानी के नीचे केबल लाइंस बिछाती है। इस जहाज की विड्थ या चौड़ाई बाकी कार्गो जहाजों से ज्यादा होती है और अधिकतर जहाजों का वजन 11,000 टन से भी अधिक होता है। और तो और, ये आसानी से एक साथ एक से अधिक कम्युनिकेटिव केबल लाइन बिछा सकते हैं। केबल लिंक शिप का आकार समुद्र के नीचे की गहराई पर निर्भर करता है जहां पर केबल्स बिछाए जाने होते हैं। जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ही बड़ा शिप चाहिए होगा, और अगर गहराई कम होगी तो जहाज भी छोटा ही होगा। केबल बिछाते समय इन जहाजों को ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि वायर्स और एम्पलीफायर को कोई नुकसान ना हो, ताकि आने वाले कई और दशकों तक वे काम कर सकें। केबल लेइंग टेक्निक अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि शोर लाइन, शैलो वाटर्स, हार्ड बॉटम एरियाज और डीप ओशन, जिनका इस्तेमाल करके केबल्स को सही जगह पर रखा जा सकता है। अगर आप पानी के अंदर बिछे हुए केबल के रखरखाव, संचालन और मरम्मत के बारे में सोचें, तो अंडरसी केबल इंस्टॉलिंग एनवायरमेंटली भी एक लो इम्पैक्ट वाली कमर्शियल प्रक्रिया है, क्योंकि इनको बिछाने के बाद इनमें और ज्यादा काम नहीं किया जाता। पहले छोटे डायामीटर के फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि मछली पकड़ने की नौकाओं से क्षतिग्रस्त हो जाते थे। क्षति के जोखिम को कम करने के लिए आधुनिक समय में पानी के नीचे के केबलों को समुद्र के नीचे विशेष हल का उपयोग करके समुद्र तल में दफन कर दिया जाता है। कई जगह इन्हें पूरी तरह से तल में दफनाना मुमकिन नहीं होता, तो इन समुद्री तारों को चट्टानी तल और समुद्री चट्टानों पर रख दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर केबल जहाजों द्वारा इनकी मरम्मत हो जाती है। पूरी दुनिया में 420 से अधिक समुद्री केबल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर है। यह केबल ग्लास फाइबर के छोटे धागों के तारों के एक समूह के रूप में शुरू होते हैं। लेजर फाइबर ऑप्टिक तकनीक का उपयोग करके लगभग लाइट की स्पीड से इन तारों में डेटा आगे बढ़ता है। जब ये केबल स्थानीय नेटवर्क से जुड़ता है, तब ईमेल पढ़ने या वेब पेज खोलने के लिए जरूरी डेटा व्यक्ति के डिवाइस तक पहुंचता है। आजकल हम में से अधिकांश लोग बड़े पैमाने पर वाईफाई और फोन डेटा प्लान्स के माध्यम से इंटरनेट का अनुभव करते हैं। वे सिस्टम अंततः फिजिकल केबलों के साथ ही जुड़ते हैं, जो महाद्वीपों या महासागरों में तेजी से इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये केबल्स जेट इंजन जितने बड़े मिल्स के थ्रू हाई स्पीड में पास होते हैं। ये मिल्स वायर को कॉपर केसिंग में लपेट देते हैं, जो डेटा को लाइन के अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी के साथ लेकर जाती है, ताकि डेटा निरंतर और तुरंत मूव करता रहे। केबल लगाने से पहले जहां पर केबल रखेंगे उसके हिसाब से बाद में प्लास्टिक, स्टील और तार ऐड किए जाते हैं, ताकि वो समुद्री माहौल के अनिश्चित परिस्थितियों का सामना कर सकें। जब ये तैयार हो जाता है तो ये केबल एक मोटी गार्डन होज या बगीचे में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के पाइप के साइज तक का हो सकता है। क्या आपने कभी केबल शिप या कोई और स्पेशल जहाज देखा है? हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मरीन इनसाइट द्वारा मिलने वाली किसी भी अपडेट को मिस ना करें।